आज की वीडियो में बात करेंगे काम और समय पर आधारित प्रश्न होंगे जो पार्ट नंबर 4 है। जो आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो दर्शन में दिया है कि पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन दिया है एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता सुबह उसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अर्थात उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दिया क्या कि एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी मान लीजिए कि कितना कितने आदमी हैं, एक आदमी तो मान लिया, मान सकते हैं पिता, क्या मान सकते हैं पिता। इसमें आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको पुत्र दिया है, तो हम मान सकते हैं जो जो आदमी को हम पिता मान लेते हैं, तो वह जो पिता हैं कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो 5 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, किंतु अपने बेटे की सहायता से, अपने बेटे की सहायता से। तो ये पिता तो अनिवार्य होंगे, तो पिता होंगे प्लस और पुत्र दोनों मिल करके, अर्थात अब पुत्र की सहायता से कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो बोला कि पूरा कर रहे हैं, तो उसका बेटा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब बात करें, अब इन दोनों का देखते हैं कि इन दोनों का एलसीएम की बात ऐसा मतलब लेंगे जो दोनों के अपूर्ण से विभाजित हो। यह बोल सकते हैं कि 5 और 3 का जब एलसीएम लेंगे, तो 5 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, अर्थात कितना हो जाएगा, 15 एलसीएम हो जाएगा। तो अर्थात ये कह सकते हैं कि जो टोटल काम कितना है, 15। टोटल काम कितना है, 15 है। तो अब बात करते एक मतलब एक दिन के काम की बात करेंगे जो उनके पिता, मतलब टोटल काम कितना है, 15 है। तो पिता का जो काम होगा एक दिन का, तो एक दिन का कितना काम होगा, 5 तिहाई 15, कितना होगा, 5 तिहाई 15। जो पिता हैं एक दिन का काम जो है, एक दिन का काम कितना है, 3 काम है। उसी प्रकार से पिता और पुत्र दोनों मिलकर के काम 3 दिन पूरा कर रहे हैं, लेकिन टोटल काम कितना दिया है, 15 दिया है, लेकिन एक दिन के काम की बात करेंगे तो कितना होगा, एक दिन का काम कितना होगा, 5। एक दिन का काम कितना होगा, 5 होगा, कितना होगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो अब उसके आगे बोला क्या है कि जो बेटे अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो पिता का काम कितना दिया है, 3 दिया है। पिता का काम कितना दिया है, 3 दिया है। तो अब पुत्र की वैल्यू निकालेंगे, पुत्र का जो वैल्यू है, तो पिता प्लस पुत्र इक्वल टू कितना काम है, एक दिन का, 5। एक दिन काम कितना है, 5 दिया है। तो पुत्र की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पिता की वैल्यू कितना दिया है, 3। पिता की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, प्लस पुत्र का मान कितना दिया है, पुत्र का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुत्र इक्वल टू कितना दिया है, 5। कितना दिया है, 5। तो पुत्र की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो पुत्र की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 5 इधर जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, अर्थात कितना निकल गया, 2। जो जो पुत्र है, पुत्र पुत्र की वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। पुत्र की जो वैल्यू हो गया, पुत्र की वैल्यू जो है 2, कितना हो गया, 2 काम हो गया, कितना हो गया, 2 काम हो गया। और टोटल काम कितना दिया है, 15। टोटल काम कितना दिया है, टोटल काम कितना दिया है, टोटल काम कितना दिया, टोटल टोटल काम कितना दिया है, टोटल काम कितना दिया है, 15 काम। और जो पूछा है कि पूछा कि बेटे अकेले उस काम कितना दिन में करेगा, तो बेटे का जो जो बेटे का काम कितना है, बेटे का काम कितना, 2 है। टोटल काम कितना दिया है, 15। तो 15 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना निकल जाएगा कि 7 सही 7 सही 1/2 दिन, कितना होगा, 7 सही 1/2 दिन प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 दिया है, 7 सही 1/2 दिन में काम पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में 10 दिन में कर सकते हैं। तो क्या दिया यहाँ पे देख लो, तो क्वेश्चन ए जो है किसी कार्य को दस एक किसी कार्य ए जो है 15 दिन में, और बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उन्हों दो उन्होंने उन्होंने मिलकर के कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात यहाँ हम लिख सकते हैं पश्चात पश्चात हम कर सकते हैं, पश्चात को हम बाद भी बोल सकते हैं, पश्चात को क्या बोल सकते हैं, बाद भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बाद 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी काम छोड़कर चला जाता है। तो बी यहाँ हम लिखते हैं बी बी कौन बी जो है काम छोड़ करके यहाँ हम लिखते हैं बी जो काम
छोड़ देता है, क्या करता है बे काम छोड़ करके चला जाता है। कितने दिन? 2 दिन। दो दिन पश्चात बे काम छोड़कर चला जाता है। इसे बोल सकते हैं कि जो बी है 2 दिन बाद काम छोड़ करके चला जाता है, ठीक है। इसे डिनोट करिएगा। तो उसके बाद क्या दिया है, शेष कार्य ए ने पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ है। तो अब देख लेते हैं इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे अपन, इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना निकलेगा, 30। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। अर्थात कह सकते हैं टोटल काम कितना है, 30। टोटल काम कितना है, 30 दिया है। तो इसी प्रकार से जो ए जो है प्रतिदिन का जो काम होगा, इसका दो काम कितना होगा, दो काम, 15 × 30। अर्थात जो ए है प्रतिदिन का काम करेगा, एक दिन का काम जो है दो, एक दिन का काम कितना हो, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, दो काम होगा, एक दिन का काम कितना, दो होगा। उसी प्रकार से एक दिन का काम बी का, जो एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना होगा, 3। एक दिन का काम कितना होगा, 3 होगा। बोला है कि 2 दिन पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, अगर कहीं अगर बाद बोला हो, क्या बोला, अगर बाद बोला हो तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर पहले बोला हो तो हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, ठीक है ना। टोटल काम में से क्या कर देंगे, अगर बाद बोला हो तो टोटल काम में से घटा देंगे, पहले बोला हो तो टोटल काम में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बोला इसमें क्या है, पश्चात का मतलब होता है बाद, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कौन काम छोड़ा है, तो बी काम छोड़ दिया है। कितने दिन, 2 दिन बाद बी काम क्या कर दिया है, छोड़ दिया, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद कितना निकल जाएगा, 6। कितना निकल जाएगा, 6। तो हमने क्या बोला, अगर बाद बोला क्या तो, अगर बाद बोला हो तो बाद बोला हो तो हम क्या, पश्चात और बाद दोनों बराबर, दोनों क्या होते हैं, एक ही को बोलते हैं। तो अगर बात बोले हो क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो बात बोला है तो बात का मतलब, बात बोला है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना निकलेगा, 6 निकला है। टोटल काम कितना दिया, टोटल काम कितना दिया है, 30 दिया है। तो 6 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना निकल जाएगा, 24। कितना निकलेगा, 24 निकलेगा, 24 निकल गया। तो अब बोला क्या है, अगर जब बात बोला हो तो जो बी वाला जो होगा उसका हम क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। अर्थात बी से हम टोटल काम में भाग नहीं देंगे, ठीक है। टोटल काम में से क्या करेंगे, भाग नहीं देंगे। तो बचा क्या, ए बचा। क्या बचा, ए बचा। टोटल काम कितना दिया, 24 दिया है। तो वही बोला है कि ए ने पूरा किया संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा किया है। तो संपूर्ण काम, टोटल 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 काम कितना दिया है, टोटल काम कितना दिया, 24। तो ए ने कितना दिन में समाप्त किया, ए का मान कितना दिया है, 2। 2 यहाँ पर रख लेते हैं, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अर्थात कितने, 12 दिन में ए ने क्या किया, 12 दिन में ए ने पूरे काम को समाप्त किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर पश्चात या बाद दिया हो टोटल काम में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर पहले दिया हो टोटल काम में से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि ए तथा ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। जो ए की कार्य क्षमता है, यहाँ लिख लेते हैं क्या दिया, ए और क्या लिख लेते हैं, बी। ए और तथा बी, जो ए की जो कार्य क्षमता है 20 से 3 गुनी है। तो ए की 3 गुनी हो जाएगा और बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो अब क्या दिया है कि साथ साथ मिल करके, साथ साथ मिल, दोनों अगर मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना काम हो जाएगा, 4 काम हो जाएगा। उसके बाद यह है कि मिल करके 15 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। तो 15 दिनों में, अर्थात 15 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो गुणा कर देंगे। तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू कितना, 1 दिया है, बी की वैल्यू कितना दिया है, बटे में 1 कर देंगे। तो अब इसे क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो सब वही वैल्यू निकलेगा। तो 15 × 60, 15 × 60 दिन निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर 3 दिया है कि 60 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो फिर से देख लीजिए, ए ए जो है 20 से 3 गुना है, तो 3 गुना ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मिलकर काम करेंगे तो मिलकर कितना होगा, 4 हो जाएगा। मिलकर कितने दिनों काम को पूरा, कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो 15 दिनों में, तो 15 हो जाएगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा, पूछा है कि बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी की वैल्यू कितना दिया है, 1। तो यहाँ पे 1 रख लेते हैं। और जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 60, तो 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।